हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आर वीडियो में हम लोग कामरूप मेट्रो डिस्ट्रिक्ट प्री फाइनल असेसमेंट एग्जाम बोर्ड का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एच एस एल सी एग्जामिनेशन टू के लिए डेट मीन्स टू क्वेश्चन पेपर के लिए तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस इस चैनल पर आप नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और मैं इस चैनल पे स्टडी चैनल पे एच एस एल सी एग्जामिनेशन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन स्पेशल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर को फुल्ली सोल्व करा दिया हूँ पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ टू थाउजेंड नाइनटीन का भी सोल्व करा दिया हूँ टू थाउजेंड भी सोल्व करा दिया हूँ और तीन डिस्ट्रिक्ट का भी क्वेश्चन सोल्व करा दिया का तो का भी हूं, एटीन का भी कराया कराया और ये सारे क्वेश्चन पेपर में से जो जो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसे जरूर आप लोग सोल्व कर लीजिएगा और अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन देखिए व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर वन हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड वन का बी अ अल्यूशन रिएक्ट विथ क्रॉस्ड एग सेल टू गिव गैस डेट टॉन्स लाइम वाटर मिल्कि द सोल्यूशन नंबर टू आंसर होगा एस सी एल नंबर सी द मेटल डेट एक्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज मर्करी नंबर डी द अरेजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन मैंडलिप पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन देखिये जो मैंडलिप ने पीरियडिक टेबल बनाया था उसने क्या किया था इंक्रीजिंग एटोमिक मास एलिमेंट्स का एटोमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था ठीक है और जो मॉडर्न पीरियड टेबल था उसमें इंक्रीजिंग एटोमिक नंबर था बट वो मॉडर्न वाला सिलेबस में नहीं है इसलिए भी, अभी लर्न कीजिए आप कि मेड्रिफ ने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटोमिक मास अरेंज किया था नेक्स्ट नंबर ई द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल्स द पोस्टर एंड इक्लिबियम ऑफ आवर बॉडी आंसर क्या होगा सेरिबेलम नंबर एफ इफ ए क्रॉस इज मेड बिटवीन द प्लांट्स हैविंग कैपिटल टी टी टॉल एंड स्मॉल टी ड्राफ्ट जेनेटिक कंपोजिशन विच टाइप ऑफ प्लांट्स वी विल ऑब्टेन इन द नेक्स्ट जेनरेशन तो देखिये नेक्स्ट जेनरेशन में क्या होगा ओनली टॉल प्लांट्स ही मिलेंगे नंबर जी देख लीजिए द इमेज फॉर्म्ड कॉनकेव मिरर इज ऑब्जॉर्व बाय अ वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट को कहा प्लेस करने से इमेज वर्चुअल बनेगा इरेक्ट बनेगा एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट तो याद देखिएगा वर्चुअल और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनता है कॉनकेव मिरर में जब हम लोग ऑब्जेक्ट को बिटवीन फोकस एंड पोल फोकस और पोल के बीच में प्लेस करते हैं तो इमेज क्या बनता है वर्चुअल रिएक्ट लार्जर बनता है तो इसका आंसर होगा बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस नंबर एच द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेज बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस दिस इज ड्यू टू पावर ऑफ एकोमोडेशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आई नंबर ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा क्या होता है बोल्ट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो तभी वोल्ट होगा याच ऑफ द इज नॉट डिराइव फ्रॉम एनर्जी ऑफ द सन सन एनर्जी से कौन सा डिराइव नहीं है तो आंसर हो जाएगा नंबर टू ऑप्शन न्यूक्लियर एनर्जी नंबर टू वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन एग्जियोथर्मिक रिएक्शन द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व इज कॉल्ड एग्जोथर्मिक मीन जिसमें हीट निकलता है उसको बोलते हैं एग्जोथर्मिक ठीक है जैसे एग्जाम्पल हो गया सी प्लस ओ टू सीओ टू यह हो गया एग्जोथर्मिक और दूसरा एक होता है एंडोथर्मिक जिसमें हीट क्या होता है देना पड़ता है हीट एब्जॉर्ब करता है वो द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब इज कॉल्ड एंडोथर्मिक तो देखिए नंबर थ्री वाई इज सोडियम केप्ट इमर्ज इन क्योसिन ऑयल सोडियम को क्रोसिन ऑयल में क्यों डुबा कर रखा जाता है बिकॉज सोडियम जो है वेरी रिएक्टिव एलिमेंट है और वह क्या होता है एयर के साथ रिएक्शन करके कैच फायर हो जाता है मीन्स उसमें आग पकड़ लेता है इसलिए उसे क्योसिन ऑयल में डुबा कर रखा जाता है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट आर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सेचुरेट हाइड्रोकार्बन बोलिए या एलकेन बोलिए सेम थिंग तो वह हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणु के बीच क्या होता है एकल बंद होता है मीन सिंगल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं सेचुरेट हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स आर कॉल्ड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन कंपाउंड इन विच देर इज अगल बॉन्ड बिट्वीन टू कार्बन आइटम्स इज कॉल्ड सेचुरबन और एलकेन मीन दो कार्बन आइटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हम सेचुरेटेड बोलते हैं या एल्केन बोलते हैं ठीक है जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सी एच फोर मिथेन सी टू एच सिक्स इथेन एग्जाम्पल हो गया फाइव नंबर इन इन मेडल एक्सपेरिमेंट विथ टॉल एंड ड्रॉप पी प्लांट फ्यूचर इज डोमिनेंट कौन सा फ्यूचर डोमिनेंट था तो आंसर हो जाएगा टॉल टॉल फ्यूचर इज डोमिनेट क्वेश्चन नंबर सिक्स व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ हुमेन आई तो फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी अनंत और नियर पॉइंट होता है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर

H2 में ऑक्सीजन प्लस हुआ है तो बोलेंगे H2 इज ऑक्सिडाइज्ड और CO में ऑक्सीजन निकल गया है तो CO इज रिड्यूस्ड क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट और में दिया हुआ है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नंबर ए जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट बिकम जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर तो जिंक का होता है Zn और सिल्वर नाइट्रेट का होता है AgNO3 और जब जिंक जाएगा एजी को डिस्प्लेस कर देगा और खुद यहाँ बैठ जाएगा सो क्या हो जाएगा जेड एन एनओ थ्री जेड एन एनओ थ्री और जेडन का वैलेंसी होता है टू मीन जेड एन टू प्लस तो जेडन का वैलेंसी टू होता है तो टू यहां लिखना पड़ेगा एनओ थ्री होल टू और प्लस एजी क्या हो गया अकेला हो गया नंबर टू क्या बोला है बेरियम क्लोराइड तो बी एस सी एल टू प्लस पोटेशियम सल्फेट तो के टू एसओ फोर क्योंकि एसओ फोर का बैलेंस टू होता है तो यहां लिखना पड़ेगा और के का बैलेंस वन होता है तो वन होल लिखना पड़ेगा नहीं लिखने से भी होगा वन तो देखिए बी ए क्या करेगा आयन एक्सचेंज होगा बी ए जाएगा इसके पास तो बी एसओ फोर हो गया के जाएगा इसके पास तो के सीएल हो गया अब इसको बैलेंस कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर एट वाइल्ड डायलोटिंग एन एसिड देख लीजिएगा ये क्वेश्चन नंबर नाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ जैराम एंड फ्लोएम देख लीजिएगा हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींगस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर टेन राइट द डिफरेंस बिट्वीन एक्सेंट एंड राइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलेवेन नंबर डिस्क्राइब बॉर्डिंग इन हाइड्रा देख लीजिएगा इसका और में जो दिया क्वेश्चन व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इसका आंसर दिया हुआ है उसका स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह पेज 174 सेवेंटी फोर इंग्लिश मीडियम का बुक मिल जाएगा ठीक है लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन द इंसिडेंट रे द रिफ्रेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन मीन्स इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट रिफ्रेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन पहला लॉ हो गया दूसरा लॉ क्या हो जाएगा द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉन्स्टेंट इज कॉन्स्टेंट ये हो गया आपका सेकेंड लॉ। एक और लॉ है यह क्या है आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या क्या है रिफ्लेक्शन वह था रिफ्लेक्शन बट ए क्या है रिफ्लेक्शन या पेज 161 इंग्लिश मीडियम का बुक में मिल जाएगा पेज वन ठीक है तो यह लॉ भी देख लीजिए क्या है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पहला लॉ हो गया दूसरा द द द इंसिडेंट रे रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड ऑल सेम प्लेन ठीक है सो यह क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व नंबर स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लर्न कर लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर थर्टीन थर्टीन का और थर्टीन का और देखिए क्या बोला है

ज्यादा रजिस्टेंस में है तो सबसे ज्यादा करंट आर थ्री पास होगा तो आपका आंसर हो जाएगा करंट के मामले में कि, कि रजिस्टेंस तो करेंट, कम होगा। ज्यादा होगा करेंट आई टू और उससे ज्यादा करंट क्या होगा आई थ्री क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एक्सप्लेन डज सोलनोइट बिहेव लाइक मैग्नेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन so, फिफ्टीन नंबर व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स डिकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखिए गिव एनी टू वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड एफेक्ट द इन्वायरमेंट यह भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है देख लीजिएगा क्वेश्चन सेवेंटीन व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन मीन डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है कॉम्बिनेशन का ओपोजिट होता है क्यों या इसलिए ओपोजिट होता है क्योंकि देख लीजिए आप डिकोजिशन में क्या होता है एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होके दो प्रोडक्ट बनाता है ठीक है एक रिएक्टेंट रिएक्टेंट डिकम्पोज होके दो प्रोडक्ट बनाता है देख ले सकते हैं यहां भी देख सकते हैं एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होके दो प्रोडक्ट बनाता है बट बट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है दो दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है यही डिफरेंस है इसका और में देखिए क्या बोला है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन डाइट टेक्स प्लेस वेन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सोलूशन डाल देंगे तो क्या रिएक्शन होगा मेंशन द टाइप ऑफ रिएक्शन तो रिएक्शन का टाइप भी बताना है तो देखिए यह कॉपर सल्फेट है इसमें आयरन डाल दिए तो क्या होगा दिया आयरन क्या करेगा कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा खुद जाके डिस बैठ जाएगा तो तो हो हो जाएगा प्लस कॉपर कॉपर अकेला गया तो एफी ने क्या किया को डिस्प्लेस कर दिया इसलिए इसका नाम हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्वेश्चन नंबर एटीन देखिए यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ थ्री टेस्ट ट्यूब वन ऑफ देम कॉन्टेंट डिस्टिल्ड वाटर अदर टू कॉन्टेंट्स एसिड बेसिक सोल्यूशन इफ यू आर गिवेन ओनली रेड लिटम पेपर हाउ विफाई द कॉन्टेंट्स इच टेस्ट्यूब ठीक है आपको सिर्फ रेड टेस्ट दिया गया है तो इसकी हेल्प से आप कैसे बताएंगे कि कौन सा टेस्ट में डिस्टिल वाटर है और कौन सा टेस्ट्यूब में एसिड है और किसमें बेसिक सोलूशन है तो देखिये इसका आंसर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं टेक अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ ऑल द्री लिक्विड इन थ्री टेस्ट तीनों टेस्ट में थोड़ा थोड़ा सा लिक्विड ले लिए सब में से ठीक है तीन टेस्ट ट्यूब में थोड़ा थोड़ा तीनों लिक्विड ले लिए डीप रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप सेपरेटली इन द ऑल थ्री और जो रेड लिटमस पेपर है उसको तीनों में हम डाल दिए फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में डाले सेकेंड टेस्ट ट्यूब में और थर्ड टेस्ट ट्यूब में तीनों में रेड लिटमस पेपर डाल दिया गया द ट्यूब इन विच रेड लिटमस टर्न ब्लू जिस टेस्ट ट्यूब में रेड लिटमस ब्लू बन गया तो रेड को ब्लू कौन बनाता है बी फॉर ब्लू बी फॉर बेस ब्लू बनाता है कौन बेस द कंटेंस बेसिक सोल्यूशन मतलब क्या होगा वो बेसिक सोल्यूशन होगा तो मालूम मालूम हो गया हम लोगों को कि उस टेस्ट ट्यूब में क्या है बेसिक सोलूशन है उस टेस्ट ट्यूब को अलग कर दी हम लोग कि इसमें क्या है basic, basic है बेसिक बेसिक नाउ रिमूव द ब्लू लिटमस पेपर अभी तो ब्लू लिटमस पेपर मिल गया है इसको रिमूव कर दिया गया एंड डीप इट वन ऑफ द रिमेनिंग रेस्ट टेस्ट ट्यूब और जो दोनों टेस्ट ट्यूब बचा है उस दोनों टेस्ट ट्यूब में से किसी एक में हम लोग डाल दिए कलर ऑफ ब्लू इट मै पेपर चेंज टू रेड अगर ब्लू रेड बन गया इसका मतलब द टेस्ट टूब कॉन्टेंट एसिडिक सोलूशन तो आप, आपने डिप किया और ब्लू क्या बन गया रेड बन गया रेड रेड कौन बनाता है एसिड बनाता है डेट मीन उस टेस्ट में क्या है एसिड सोलूशन है इनकेस अगर इट रिमेन्स ब्लू अगर ब्लू का ब्लू ही रह गया देन टूब कॉन्टेंस डिस्टिल्ड वाटर जिसमें आप डिप किए थे और आपका कलर चेंज नहीं हुआ ब्लूमस पे डाले थे आप ब्लू का ब्लू ही रह गया नो चेंज इन कलर तो इसका मतलब उस उस टेस्ट में क्या है डिस्टिल्ड वाटर है तो इस तरह से हम लोग तो टेस्ट कर सकते हैं ओके okay? तो देख लीजिए हमें आंसर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन डीड डोबराइनर्स ट्राइड ऑल्सो एग्जिट इन कॉलम ऑफ न्यूल्ट ऑक्टेट यस कंपेयर एंड फाइंड द आउट राइट वन लिमिटेशन ऑफ डोबराइनर्स क्लासिफिकेशन डोबराइनर क्लासिफिकेशन का एक लिमिटेशन भी लिखना है तो देखिए क्वेश्चन क्या था डिडराइन ट्रायड ऑलसो एग्जिट इन कॉलम ऑफ ऑक्टेव्स कंपेयर एंड फाइंड आउट आंसर क्या होगा यस सम ऑफ द ट्रायड एग्जिट एग्जिस्ट इन द कॉलम ऑफ न्यूलियंस ऑक्टेव्स फॉर एग्जाम्पल लिथियम सोडियम पोटेशियम ठीक है यह ट्रायड है ओके और यह न्यूल ऑक्टेव में भी आता है

तो देख लीजिए हम आंसर लिखा हुआ है ठीक है मैं एक्सप्लेन कर दिया तो इस तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन टू अचीवमेंट ऑफ मेंडली पीरियड टेबल आल्सो मेन मेंशन वन लिमिटेशन ऑफ मेंडली पीरियड टेबल मींस मेंडलिप का जो पीरियडिक टेबल था उसका दो अचीवमेंट बताना है और मेंडलिप का वन लिमिटेशन बताना है मींस वन डिफेक्ट बताना है तो देखिए

सिस्टोमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स में क्या हुआ आसानी असान, आसानी हुआ सो so, पाला हो गया नंबर टू प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज तीसरा हो जाएगा करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मासेस तो यह हो गया अचीवमेंट अब देखते हैं उसका डिफेक्ट क्या था तो देखिए डिफेक्ट में है डिफेक्ट मीन्स लिमिटेशन क्या था उसका नंबर वन लिमिटेशन था पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्सड अपने पीरियडिक टेबल में वह पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन फिक्स नहीं कर सका दूसरा नंबर पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स उसने नहीं फिक्स कर सका ठीक है तो ये हो गया आपका लिमिटेशन पहला हो गया पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नॉट फिक्स्ड और दूसरा हो गया पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स नॉट फिक्स्ड तो इस तरह से आंसर हो गया अगले क्वेश्चन में चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन राइट द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग वेरी वेरी इंपोर्टेंट है वाई रिफ्लेक्स Arc is in मैंने कल बताया था कि एनिमल्स जो है अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए टू प्रोटेक्ट बॉडी और उसमें एनिमल में क्या होता है कि थिंकिंग प्रोसेस जो होता है वो बहुत स्लो होता है याबसेंस होता है इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन उनमें डेवलप्ड होता है देख लीजिएगा आंसर यह यहाँ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ लॉन्गनल सेक्शन ऑफ फ्लावर यह क्वेश्चन फिक्सड है हंड्रेड परसेंट यह एग्जाम में आएगा ही सो so, इसे जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री एक्सप्लेन हाउ सेक्स इज डिटर इन अ मैन यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह भी क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट एग्जाम में आएगा ही इसे जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इसका आंसर यहाँ हुआ देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर अ स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी टू रीडिंग द ब्लैक बोर्ड वाई सिटिंग इन द लास्ट रो एक स्टूडेंट है जो सबसे लास्ट रो पीछे बैठा हुआ है और उसको बोर्ड देखने में परेशानी हो रहा है वट कु द डिफेक्ट ऑफ द स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम स्टूडेंट को कौन सा डिफेक्ट है ड्रॉ डायग्राम फॉर करेक्शन द डिफेक्ट तो इस डिफेक्ट को करेक्शन करने का क्या उपाय है तो देखिए जो स्टूडेंट है वो लास्ट में बैठा हुआ है मींस उसको दूर का ठीक से नहीं दिख रहा है तो दूर का ठीक से नहीं दिख रहा है तो नजदीक का दिख रहा है बट दूर का नहीं दिख रहा है इसका मतलब उसको माइपिया हुआ है क्यों माइपिया में क्या होता है निकट का ठीक से दिखता है बट दूर का ठीक से नहीं दिखता है तो क्या हो गया आंसर हो जाएगा माइपिया निकट दृष्टि दोष इसको करेक्शन कैसे करेंगे और माइपिया को करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस के चश्मा का यूज किया जाता है तो देखिए उस स्टूडेंट को कौन सा डिफेक्ट था तो माइपिया था तो देखिए जब आदमी का नॉर्मल आई होता है तो नॉर्मल आई में इमेज कहां बनता है रेटिना पर बनता है ठीक है लेकिन जब आंख में जब प्रॉब्लम आता है डिफेक्ट हो जाता है जब माइपिक डिफेक्ट हो जाता है माइपिक आई तो रेटिना पे नहीं बन के इमेज थोड़ा सा आगे ही बन जाता है यही आगे ही बन जाता है जिसके कारण ठीक से वस्तु दिखाई नहीं देता है तो इसको ठीक करने के लिए क्या उपाय है आगे हमें कॉन्केव लेंस लगाना पड़ेगा तो कॉन्केव लेंस क्या करेगा कॉन्केव लेंस ये जो रेज जा रहा था उसको थोड़ा क्या करेगा थोड़ा उसको डाइवर्ज करेगा थोड़ा दूर ले जाएगा जब दूर ले जाएगा तो यह जो कॉन्वेक्स लेंस जो हम लोग का आंख में होता है आई में होता है यह कॉन्वेक्स लेंस फिर इसको क्या करेगा कन्वर्ज करेगा तो क्या रेटिना पर कन्वर्ज होगा तो आपको डायग्राम एग्जाम में सिर्फ ये वाला डायग्राम बनाना है ओनली दिस डायग्राम इज नेसेसरी करेक्शन करेक्शन ऑफ का है ठीक इसको आप कर लीजिएगा इंपोर्टेंट एग्जाम में आएगा ही ये अब देखिए हाइपर मेट्रोपिया हाइपर मेट्रोपिया में क्या होता है मीन दूर दृष्टि दोष इसमें क्या होता है दूर का वस्तु ठीक से दिखाई देता है बट निकट का ठीक से दिखाई नहीं देता उसको बोलते हैं हाइपोरमेट्रोपिया हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है दूर का वस्तु ठीक से दिखाई देगा और निकट का वस्तु ठीक से दिखाई नहीं देगा तो इसमें क्या होता है इसमें जो रेटिना पर इमेज बनना चाहिए रेटिना पर नहीं बनता है बल्कि रेटिना से थोड़ा सा पीछे यहां दूर बन जाता है ठीक है मीन्स कन्वर्ज तो होता है बट थोड़ा सा दूर होके जाके करता है कन्वर्ज तो इसको ठीक करने के लिए इसको करेक्शन करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं लेंस लगाते हैं तो लेंस क्या करता है जो भी रे ऑफ लाइट है उसको क्या करता है कन्वर्ज करता है तो जो रे ऑफ लाइट जो दूर जा रहा था उसको करके थोड़ा सामने सामने लाया और सामने रे जब से पास हुआ तो और थोड़ा सामने हो हो गया रेटिना पे हो गया पे तो तो जब आएगा वाला तो डायग्राम बनाइएगा आप लोग भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो या तो आईपिया वाला आएगा नहीं तो हाइपरमेट्रोपिया दो हंड्रेड परसेंट चांस है दोनों में एक आने का इस तरह से देख सकते हैं इसका आंसर क्वेश्चन नंबर ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक मोटर एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग री वेरी इंपोर्टेंट आएगा ही एग्जाम में व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर इसका प्रिंसिपल क्या है इसका वर्किंग रूल क्या है यह क्वेश्चन आप देख लीजिएगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट है यह एग्जाम में आएगा ही तो लास्ट वीडियो में हमने इसे अच्छा से एक्सप्लेन किया था उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा

करंट का एसेंट होता है एम्पियर और एम्पियर वन एम्पियर इक्वल टू वन कुलम बाई वन सेकेंड होता है इंस्ट्रूमेंट इज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट को मेजरमेंट करने के लिए एमीटर का यूज किया जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कंपेयर द कंस्ट्रक्ट फॉसिल फ्यूल एंड द सन एज डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हाउ हेज द ट्रेडिशनल यूज ऑफ विंड एंड वाटर एनर्जी बीन मोडिफाइड फॉर आवर कन्वीनियंस यह क्वेश्चन देख लीजिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस आंसर यहां पर दिया हुआ देख लीजिएगा ट्वेंटी एट का ए राइट द नेम ऑफ ए लेस रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल बोलने से क्या लिखेंगे हम लोग गोल्ड लिख सकते हैं ठीक है आपका प्लेटिनम लिख सकते हैं ओके नंबर बी व्हाट इज सिनेबार? राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन इट इज हीटेड इन एयर तो देखिए सिनेबार क्या होता है सिनेबार मींस एच जी एस इज द ओर ऑफ मरकरी सिनेबार जो है ओर है किसका ओर है मरकरी का मींस एच जी एस जो है एच जी एस क्या है ओर ऑफ एच जी है मरकरी का ओर है पारा का क्या है अयस्क है अब इसमें हिट करेंगे इसको हम लोग केमिकल रिएक्शन तो एच जी एस को अगर ऑक्सीजन में हीट करेंगे तो क्या बनेगा एच जी ओ बनेगा मींस मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनेगा और एसओ टू बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा ठीक है नंबर सी एक्सप्लेन थर्मिट रिएक्शन थर्मिट रिएक्शन क्या होता है तो देखिए Fe2O3 आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम क्या करेगा आयरन को डिस्प्लेस कर देगा आके यहाँ खुद बैठ जाएगा तो एल टू ओ थ्री प्लस टू तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग थर्माइट रिएक्शन सो यह क्वेश्चन ट्वेंटी देख लीजिएगा तो देखिए हमें थ्री हाइड्रोजन है एक कार्बन है और एक क्या है क्लोरीन है तो हाइड्रोजन क्लास में वन इलेक्ट्रॉन होता है तो वन डॉट देने से हो जाएगा और कार्बन क्लास में चार होता है इलेक्ट्रॉन चार so, डॉट देना होगा और क्लोनिक क्लास में सेवन होता है तो सेवन देना होगा ठीक है फिर एज क्लास में वन है क्लोनिक क्लास में सेवन है और और ना नकार में फोर है और क्लोनिक लास्ट में कितना है सेवन है ठीक है तो इस तरह से हम लोग बना के आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी व्हाट इज फोटोसिंथेसिस What are the principal events that occur during photosynthesis? State how CO2 is absorbed by plants. Very वेरी इंपॉर्टेंट है इसको देख थर्टी वन अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड by अ प्लेन mirror इज प्लस वन व्हाट डज इट मीन या प्लस वन दिया क्या मीनिंग होता है तो देखिए प्लस का मीनिंग होता है कि इमेज जो होगा वर्चुअल साइज ऑफ इमेज इज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार दोनों क्या होगा बराबर होगा ठीक है साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सो

देखिए रेडियस दिया हुआ है कितना थर्टी सेंटीमीटर कौन सा मिरर है कॉन्वैक्स कॉन्वेक्स मिरर तो हम जानते हैं ना कॉन्वैक्स सीओ का मतलब ये प्लस है एक्स नहीं है समझे तो क्या है समझे तो अब ये प्लस है तो कॉन्वैक्स में क्या होता है प्लस होता है रेडियस ऑफ क्या होता है प्लस होता है अब फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू आर बाई टू एफ इक्वल टू क्या होता R 2. तो R है आर बाई टू तो आर का थर्टी सेंटीमीटर बाई टू कैंसल करेंगे कितना आएगा 15 सेंटीमीटर, ओके? Okay? अब हमें फाइंड द पोजीशन, नेचर और साइज निकालना है। तो पोजीशन का मतलब भी का भीलों। तो देखिए मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1 by b plus 1 by u equal to 1 by f। इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। अब देखिए 1 by b plus 1 by u, u कितना है? तो u है minus 20, equal to 1 by f, f कितना है? 15, ओके? Okay? सो so, वन बाई भी और प्लस माइनस माइनस वन बाई ट्वेंटी इक्वल टू वन बाई फिफ्टीन ठीक है तो अब देखिए यहां यहां देखिए वन बाई भी वन बाई भी इक्वल टू ये जो माइनस वन बाई ट्वेंटी है ना राइट से जाएगा प्लस हो जाएगा तो वन बाई फिफ्टीन है और प्लस हो जाएगा वन बाई ट्वेंटी ठीक है, अब so, ट्वेंटी का एल्सियम कितना हो जाएगा? ट्वेंटी थ्री जा सिक्स टू फोर प्लस थ्री सेवन बाई सिक्सटी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा सेवन इंटू भी सेवन भी इक्वल टू सिक्सटी इंटू वन सिक्सटी सो भी इक्वल टू कितना हो जाएगा सिक्सटी बाई सेवन तो देयरफॉर पोजीशन क्या हो गया पोजीशन हो गया इमेज इज इमेज इज फॉर्मड एट ए डिस्टेंस ऑफ सिक्सटी बाई सेवन सेंटीमीटर और देखिए प्लस में है ना भी वैल्यू प्लस में है प्लस में, है, प्लस में है इसका मतलब क्या होगा बिहाइंड मिरर। बिहाइंड द मिरर। अगर माइनस में होता तो बोलते इन फ्रंट ऑफ मिरर। बट कहा गया प्लस में आया तो क्या होगा बिहाइंड द मिरर और ऐसे भी आप देखिएगा कि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है क्या होता है आभासी और सीधा होता है और वर्चुअल यानी इरेक्ट होता है और वर्चुअल कहा बनता है बिहाइंड द मिरर ही बनता है कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल ही बनता है और वो बिहाइंड द मिरर ही बनता है कॉन्वेक्स मिरर में दूसरा कोई इमेज बनता ही नहीं है कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा वर्चुअल 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 और बिहाइंड द मिरर अब इसका साइज निकालना है तो साइज निकालने के लिए पहले हम लोग एम निकाल लेते हैं ठीक है तो एम इक्वल टू क्या होता है एम इक्वल टू होता है माइनस भी बाई यू याद एक फॉर्मूला होता है एम 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 फॉर्मूला दिए हम एम 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 का मतलब होता है मैग्निफिकेशन इज माइनस इन मिरर मैग्निफिकेशन मिरर में माइनस होता है मैग्निफिकेशन इज माइनस इन मिरर तो मैग्निफिकेशन जो होता है माइनस वी बाई यू होता है किसमें मिरर में लेकिन लेंस में प्लस हो जाएगा ठीक है लेकिन लेंस सिलेबस में नहीं है तो है इसलिए क्या हो गया माइनस हो गया है इसलिए क्या हो गया माइनस अब माइनस भी का कितना है? तो भी का है आपका ट्वेंटी ओके सो माइनस सिक्सटी बाई सेवन और इसका नीचे कुछ नहीं तो वन है ये ऊपर जाके इंटू हो जाएगा क्या हो जाएगा वन बाई माइनस ट्वेंटी ठीक है सो माइनस माइनस कैंसिल हो गया ट्वेंटी थ्री जैसिक सो कितना हो गया थ्री बाई सेवन प्लस में आया किसमें प्लस में आ गया थ्री बाई सेवन तो देखिए नेचर क्या हो जाएगा याद रखिएगा अगर एम का वैल्यू प्लस में आता है प्लस में आया इसका मतलब नेचर क्या होगा ठीक है वर्चुअल एंड इरेक्ट वर्चुअल एंड इरेक्ट वर्चुअल एंड इरेक्ट प्लस माइनस है रियल एंड इनवर्टेड ठीक है और साइज क्या होगा साइज के लिए हम क्या करेंगे हम लोग साइज का फॉर्मूला क्या होता है एम इक्वल टू होता है एच डैस बाई एच एच डैश बाई एच और एम का वैल्यू अभी हम निकालेंगे कितना निकाले है? हम लोग एम का वैल्यू थ्री बाई सेवन तो दोनों इक्वल हो जाएगा ठीक है एच डैस बाई एच इक्वल टू थ्री बाई सेवन देखिए एम का वैल्यू अभी निकाले हैं थ्री बाई सेवन और एक और फॉर्मूला होता है एम का वैल्यू एच डैश बाई एच ठीक है एम का फॉर्मूला क्या होता है एच डैश बाई एच इक्वल टू कितना हमें थ्री बाई सेवन तो यहाँ हो गया एच डैश बाई एच एच मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना फाइव दिया हुआ था इक्वल टू थ्री बाई सेवन सो एच डैश इक्वल टू थ्री बाई सेवन या फाइव जाए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा मल्टीप्लाई so, हो गया फाइव so, तो एच डैस इक्वल टू जब मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर में होगा नीचे में नहीं ऊपर में इंटू होगा थ्री फाइव जब फिफ्टीन फिफ्टीन बाई सेवन ठीक है दिस इज आवर आंसर आई होप यह समझ में आया होगा तो इस तरह से हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर कामरूप मेट्रो डिस्ट्रिक्ट का प्री फाइनल का हम लोग देखें और पूरे क्वेश्चन पेपर को फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्व किए आई होप यह वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल होगा और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा तो इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू